वी प्लस ऑनलाइन सर्विस। तो दोस्तों आज स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने की कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे, वो भी ऐसे स्टूडेंट के जिनका स्कॉलरशिप फॉर्म मैन स्कॉलरशिप के फॉर्म जब भरे जा रहे थे उस समय नहीं भर पाया था किसी कारणवश, इस चाहे तो कॉलेज से फीस की डिटेल अपलोड ना होने के कारण या फीस की प्रोसेस प्रक्रिया में होने के कारण, बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण से यहाँ पर स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका फॉर्म नहीं भरा हुआ है या किसी कारणवश छूट गया है, तो उनको फिर से यहाँ पर एमपी टास्क में आ जाना है। कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर देखेंगे कि कैसे आप स्कॉलरशिप के फॉर्म को अपना आज यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है आप लोगों को, वैसे कुछ समय के लिए ये पोर्टल खुलता है। जब भी आप किसी फॉर्म को नहीं भर पाते हैं, ख़ास तौर से स्कॉलरशिप के फॉर्म को, तो आपको रेगुलर वेबसाइट को चेक करना चाहिए और उसे लॉगिन करके ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं, उनको भी आपको पढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो आप एमपी टास्क में आएंगे और सिंपली यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी जो कि PR100 से स्टार्ट होता है उसे आपको यहाँ पर फिलअप करना है। पासवर्ड फिलअप करेंगे, जो कैप्चा कोड है उसे आप इस बॉक्स में डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपको इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं PMS लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे एरो पर तो आपके सामने ये जो तीन ऑप्शन है ये और आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अप्लाई दिख रहा है, सबसे पहला नंबर का जो ऑप्शन है एप्लीकेशन अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इससे पहले दोस्तों अगर आपको अपना एकेडमिक ईयर नहीं पता है किस एकेडमिक ईयर में आपने एडमिशन लिया है, अगर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं और फर्स्ट ईयर का भर रहे हैं, तो कोई सिंपल आपको यहाँ पर सीधे अप्लाई पर क्लिक कर देना है। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का भर रहे हैं तो यहाँ पर आप पहले स्टेटस में जा कर के अपना एकेडमिक ईयर चेक करेंगे और उसके बाद आपको फिर से PMS पर आना है और अप्लाई एप्लीकेशन पर आपको करना है। अब आपका जो एडमिशन ईयर है उसे आप सबसे ऊपर वाले बॉक्स में फिल करेंगे और अगर आप फर्स्ट ईयर हैं तो सिंपल आपको नीचे यहाँ पर प्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले रिन्यू पर क्लिक करके अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे। यहाँ पर उससे पहले आप देख लें कि फॉर्म भरने से संबंधित कुछ दिशा निर्देश आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, साथ ही नीचे भी आपको इसी प्रकार के दिशा निर्देश दिए हुए हैं। तो दोस्तों इनको आप पढ़ लें, बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पर सारी जानकारी देते जाऊँगा। चलिए प्रेस पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर कोर्स ईयर जो भी जिस भी ईयर में आप हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और गो फॉर अप्लाई पर क्लिक करना है। सिंपली आपका यहाँ पर आवेदन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर बहुत केयरफुली इसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले महाविद्यालय जिस राज्य में है उसका चयन करेंगे, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और अपना जो भी आपका स्टेट लगता है उस स्टेट को आप यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ये नीचे वाला एक बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप अपने स्टेट का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर वो सामने ही आ जाएगा। तो चलिए मैंने जैसे यहाँ पर एम टाइप किया तो मेरा ये मध्य प्रदेश यहाँ पर शो होने लगा है, तो मैं अभी ये मध्य प्रदेश का स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के बता रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको सिंपली आपको ज़िले का चयन कर लेना है, जिस ज़िले में आपका जो कॉलेज है उस ज़िले का आप यहां पर चयन कर लेंगे। इसे भी सिंपली यहां ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करके पूरे ज़िलों की लिस्ट आ जाएगी और अपने ज़िले को आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहां पर अपना कॉलेज का नाम सिलेक्ट करेंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं सिमिलर प्रोसेस इसकी भी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे। बहुत ज़्यादा कॉलेज आपके यहां पर इस लिस्ट में आने वाले हैं, यहां पर सर्च करने पर आपको दिक्कत जाएगी, इसलिए नीचे जो बॉक्स बना हुआ है तो कॉलेज के कुछ नाम लिख करके आपको यहाँ पर इसे सर्च करें ताकि उससे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं उस नाम से संबंधित आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। फिर आपको अपना जो एक्यूरेट जो कॉलेज है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर ये कॉलेज आप सही सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन डिटेल डाल करके जब आप एडमिशन डिटेल करते हैं तो ये आपका यहाँ पर ओपन नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसे कॉलेज को बदल बदल के भी चेक कर लेना, जैसे एक ही नाम से कई कॉलेज होते हैं तो यहाँ पर आपको दो तीन कॉलेज सारे आप सिलेक्ट कर करके एडमिशन नंबर डाल के और यहाँ पर आप उसे गेट डिटेल पर क्लिक करके देखेंगे, जिस भी कॉलेज में आपकी डिटेल यहाँ पर ओपन होगी वही आपका कॉलेज यहाँ पर स्कॉलरशिप में रजिस्टर्ड है। तो चलिए वैसे तो आपका अगर एक ही कॉलेज है उस नाम से तो सिंपल आपका सर्च यहाँ पर हो जाएगा, तो आप कॉलेज सिलेक्ट कर लें।
कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद आपको एडमिशन डेट यहां पर सिलेक्ट करनी होगी। जैसे ही आप यहां पर कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, यहां पर आपको अपने महाविद्यालय का नाम दिखाई दे जाएगा। अब आपको एडमिशन डेट सिलेक्ट करनी है। एडमिशन डेट का ये जो बॉक्स है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा, और कैलेंडर ओपन होते ही आपके सामने एक पॉपअप विंडो भी आएगी। तो इसे आपको तब तक ओके नहीं करना है जब तक आप डेट अपनी सिलेक्ट ना कर लें। पहले आपको डेट पूरी आपके एडमिशन की डेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही आपको इस विंडो को ओके करना है। तो चलिए 2024 यहाँ पर लिखा हुआ है, इस एरो को क्लिक करके आप बैक जा करके अपनी एडमिशन डेट 2023 की है तो 23 करें, और 24 की है तो 24 करके पहले ईयर सिलेक्ट करेंगे, फिर मंथ, और फिर उसके बाद डेट यहां पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहां पर 2023 सिलेक्ट किया हुआ है, फिर उसके बाद मैं अगस्त मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये जो अगस्त का जो कैलेंडर खुला हुआ है, तो जिस भी डेट को आपने एडमिशन लिया हुआ है उस डेट पर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एडमिशन आईडी डालेंगे, इसे ही हम हायर एजुकेशन आईडी भी कहते हैं, जिसके थ्रू आप अपना एनरोलमेंट का फॉर्म भरते हैं, या आप अपनी एडमिशन स्लिप में जो आपने एडमिशन कराया था जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो भी यही होता है। तो इस नंबर को आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, एडमिशन डेट सही डालेंगे, जिस डेट को आपको अलॉटमेंट हुआ था या आपने एडमिशन लिया था तो वो डेट आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। एडमिशन स्लिप में ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद गेट एडमिशन डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ, बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर्वर डाउन है, क्योंकि वो या तो अपना कॉलेज का नाम सही नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं, एडमिशन डेट और एडमिशन आईडी, ये तीन में से कोई एक भी चीज़ गलत होगी तो आपका यहाँ पर जो पूरी डिटेल आपकी खुल करके आती है वो आपकी नहीं खुलेगी, फॉर्म आपका आगे का यहाँ पर नहीं खुलने वाला। तो बहुत अच्छे से ये तीनों चीज़ें आप फिलअप करें, और जैसे ही आप गेट एडमिशन डिटेल पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों जैसे ही आप यहां पर गेट एडमिशन डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है इस तरीके से डिटेल जो पूरी है आपको यहां पर दिखाई देने लगेगी। नाम, जाति, जन्म तिथि और कोर्स, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहां पर दिखाई देने लगेंगी। मैं अभी यहां पर डेमो वर्जन में आपको बता रहा हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी के कारण आपको एग्जैक्ट ऐसा ही दिखाई देगा जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो चलिए इसके बाद अगर ये सारी डिटेल आपको जो यहाँ पर शो हो रही है आप ही की है, जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं उन्हीं की है, तो आपको सिंपली अगर ओबीसी वाले हैं तो आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र और पैन कार्ड भी लगने वाला है। एससी एसटी के लिए आय प्रमाण पत्र और पैन कार्ड की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र अपना अपलोड करना होगा। ब्राउज पर क्लिक करेंगे और अपना आय प्रमाण पत्र सिंपली जेपीजी फॉर्मेट में आपने रखा होगा उसे आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। 2 MB की फाइल यहाँ पर मांगी गई है, तो किसी भी कैसा भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। पैन नंबर बहुत केयरफुली आपको यहां पर अच्छे से फिलअप कर देना है, और इसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट बटन जो दिखाई दे रहा है राइट हैंड कॉर्नर पर, इस पर क्लिक करना है। अब जो पॉपअप विंडो आपके सामने आएगी इसे सिंपली आपको यहां पर हां पर क्लिक कर देना है। अब सिंपली यहां पर फाइनल सबमिट का बटन बना हुआ है, उससे पहले आप यहां पर चेकबॉक्स को देख रहे हैं, इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा, और जो सबमिट बटन बना हुआ है राइट हैंड कॉर्नर पर नीचे की तरफ, इस पर आपको क्लिक करना है। एक बार फिर जो पॉपअप विंडो आया है इसे आपको हाँ करके क्लोज कर देना है। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर कोई पावती जनरेट नहीं हुई है। तो एक बार फिर से आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है, और एक बार फिर वैसे ही ये प्रोसेस लेगा। अब ये जो है ऐसा लॉगिन एक बार फिर ये आपका जो है लोडिंग लेगा, तो ये जब तक लोडिंग ले रहा है इसे आप ऐसा ही लोडिंग लेने दें। तो दोस्तों देखिए, आप इस बार आपको जो पॉपअप विंडो आई है यहाँ पर लिख कर के आ रहा है स्कॉलरशिप डिटेल ऑलरेडी सेव्ड इन सिस्टम, तो मतलब आपका फॉर्म जो है फिलअप हो चुका है, आपको सिर्फ प्रिंट आउट निकालना है। चलिए प्रिंट आउट निकालने के लिए फिर से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं PMS लिखा हुआ है, इसके एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस बार आपको यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है, और इस जो ये जो नीचे स्क्रॉल बार है पकड़ने का, इसे आपको पकड़ करके इस तरफ ले जाना है, ये ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे जाएगा।
प्रिंट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है ग्रीन कलर का, इस पर क्लिक करके आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरने की। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।